देखिए बिल का सच हम लोगों ने अप्रोच किया है और बिल लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में केवल जमीन हड़पो, जमीन बनाओ का कारोबार पूरे देश में कर रही है और इससे एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस है, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये बिल है और पूरी तरह से हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल 14 में, तो उसका पूरी तरह से उल्लंघन है और इससे साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है। जमीन हड़पनों का काम है और इस देश में आपसदारी और भाईचारा जो बना है, गंगा जमुनी जो संस्कृत है उसको बिगाड़ना चाहती है। लेकिन जेपीसी का तो गठन हो गया इसमें। और ठीक है, गठन तो हो गया, गठन में आएगा बात, लेकिन मंशा जो है अभी तो आएगा ना पूरा, तो उसके बाद सब बताया जाएगा। गठन हुआ, सारा चर्चा होगी, उसका रिकमेंडेशन आएगा, वो सब आएगा। सर अयोध्या में आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन की कुछ ऐसी विवादास्पद जमीनें हैं? अब देखिए ऐसा है, अब पर्टिकुलर जनपदों की बात तो अभी नहीं कहा जा सकता, देखा जाएगा तो तमाम जगह की जमीनों का बात होगा, लेकिन जो आज बिल आया है वो किसी एक जिले के लिए नहीं आया है, ये बिल तो पूरा देश के लिए लाया गया है। वैसे में सरकार, दरअसल सरकार का चाल चरित्र चेहरा बहुत अलग अलग है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, उसका एक सूत्री कार्यक्रम ध्रुवीकरण है। वो चाहती है कि इस बिल के बहाने वो समाज में ध्रुवीकरण करे, बंटवारा करे। दान की, वक्फ का मतलब होता है दान, दान की गई जमीनों की सरकारी लूट की जो कोशिश है उसको आज विपक्ष ने कमजोर कर दिया, उसे विफल कर दिया। तो इस बात के लिए हम विपक्ष को बधाई है इस बात के लिए, और ये विपक्ष की एकजुटता का परिणाम है। मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर खाने से जो आवाज उठी उसने सरकार को और मजबूर किया इस पर बात करने के लिए, और अंततोगत्वा मैं इसे जीत ही मानूंगा।